रिलेशन के 10 दिन के बाद अगर आपको ये 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक प्रेग्नेंट होने के लिए, एक महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले उसको रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। जब वो रिलेशन में रहती है, जब वो कॉन्टेक्ट में रहती है, जब एक मेल का सेल्स उसके अंदर एंटर करता है और उसके अंडे को फर्टिलाइज करता है, तभी एक महिला प्रेग्नेंट हो पाती है, वरना एक महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। लेकिन एक जो महिला को कांटेक्ट रखना चाहिए, वो ओवुलेशन के टाइम पे उसको कांटेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पे अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हो, कांटेक्ट रहते हो, तो उस टाइम पे 100% आपको प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है। 100% महिला प्रेग्नेंट होती है। अगर उस 24 घंटे को आप मिस कर देते हो, उस 24 घंटे को आप नहीं समझ पाते हो, तो फिर से आपको अगले मंथ का इंतजार करना पड़ता है। जब एक महिला और जब एक पुरुष कांटेक्ट में रहते हैं, तो जो मेल का सेल्स होता है, जो पुरुष का स्पर्म होता है, वो एक महिला के वजाइना के थ्रू अंदर एंटर करता है और जो स्पर्म है वो अंदर करने के बाद एक अंडे को फर्टिलाइज करता है। वहां पे अंडा मौजूद रहेगा तो तुरंत फर्टिलाइज कर लेगा, और अंडा मौजूद नहीं रहेगा तो उसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है, 4 से 5 दिन वो जीवित रहता है, और जो ही उसे अंडा मिलता है उसे फर्टिलाइज कर देता है, नहीं तो वो अपने अंडे की तलाश करता रहता है। तो यहाँ पे जब आपका अंडा और स्पर्म का मिलन हो जाता है, जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, तो अंडे के फर्टिलाइज होने के बाद आपका ओवुलेशन होता है, या फिर आपको ओवुलेशन उसी समय हुआ रहता है, तो उसके 10 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम्स दिखाई देता है, वो आपका जो बार बार यूरिन की समस्या होती है, ये सबसे पहला आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। आपको जो ही प्रेगनेंसी हो जाती है, जब रिलेशन मेंटेन कर लेते हो, उसके बाद ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, और जो ही आपका आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपको बार बार यूरिन आने लगते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपके इम्प्लांटेशन का फेज चलने लगता है, आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलने लगती है, इम्प्लांटेशन आपका शुरू हो जाता है होना, यानी कि जो आपका भ्रूण फर्टिलाइज हुआ है आपके स्पर्म के साथ, वो धीरे धीरे सफर तय करके आपके यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए आता है, चिपकने के लिए आता है। तो जब चिपकता है तो वहां पे आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब HCG हार्मोन बनना शुरू होता है तो आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है, आपके यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, आपको बार 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 यूरिन आने लगते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगता है, वो होता है आपको थकान। आपके बॉडी में बहुत ज्यादा थकान होने लगता है, आपकी बॉडी बिल्कुल आपको आपका साथ छोड़ देती है, यानी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आराम करने की। आपकी बॉडी बार बार आपको इंडिकेट करती है कि मुझे आराम करना है, मुझे रिलैक्स होना है, मेरी बॉडी थक रही है, मैं थक रही हूँ, ये चीज आपको आपकी बॉडी इंडिकेट करने लगती है। उसके साथ साथ आपके पैरों में क्रैम्पिंग भी महसूस होने लगते हैं, आपको बेवजह के पैरों में दर्द होने लगते हैं। आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि जब आपको थकान होगा तो आपके पैरों में भी पेन होने लगेंगे, आपके पैरों में क्रैम्पिंग होने लगेगी, आपके थाई में पेन होने लगेंगे। इसके साथ साथ आपका कितनी महिलाओं को वजाइना में भी पेन होने लगता है, तो जो भी वजाइना में भी पेन होता है तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो तीसरा आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देंगे, वो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देंगे आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर। जब आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलने लगती है, उस समय आपके बॉडी की टेम्परेचर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। कितनी महिलाओं को आधे से 1 डिग्री इंक्रीज हो जाती है, कितनी महिलाओं को 1 से 1.5 डिग्री भी इंक्रीज हो जाती है। बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है फ्रेंड्स, ये कभी भी गलत साबित नहीं होता है। ये एक प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आपको 100% दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर इसको आप ओवुलेशन के टाइम से ही नापते आओगे तो आपको ओवुलेशन भी समझ में आएंगे और इम्प्लांटेशन भी समझ में आएंगे। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके 24 घंटे के अंदर ही बेसल बॉडी टेम्परेचर आपको इंक्रीज हुए समझ में आने लगेंगे, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर नापते हो, बेसल बॉडी टेम्परेचर कैसे नापना है, इसको कैसे आप नोट करके रखोगे, इसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट करिएगा।
उसके बाद फ्रेंड जो चौथा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको मॉर्निंग सिकनेस आने लगेगी, या फिर आपको आपका जी मिचलाने लगेगा, या फिर आपको उल्टियां नोजिया आने लगेंगे। कितनी महिलाओं में उल्टियां होने लगती हैं, कितनी महिलाओं में उल्टियां नहीं होती हैं, तो उनको सुबह सुबह जी मिचलाने लगता है, या फिर कुछ खाने का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इतना चेंज हो जाता है कि आपको मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। कोई भी चीज उनको अच्छा नहीं लगता है, या फिर कोई चीज स्मेल देने लगता है, या फिर कोई चीज को चीज का पार्टिकुलर उनको स्मेल अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज उनको खाने की जो है फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल भी उनको खाने की इच्छा नहीं करती है, कोई भी चीज वो खा अच्छे से नहीं पाती है, ढंग से खा पी नहीं पाती है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज और नोटिस करनी है कि अगर आपको अगले महीने ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है और इस महीने दिखाई दे रहा है तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये सारे सिम्टम्स जो मैं 4-5 सिम्टम्स बताई हूँ, इनमें से 1-2 सिम्टम्स भी अपियर हो रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ फ्रेंड्स आपके पेट में दर्द, ये पेट में दर्द आपको पेट के निचले हिस्से में होगा, पूरे गोल गोल पेट में घूम के ये दर्द नहीं होगा, और ये दर्द पीरियड के जैसे बिल्कुल नहीं होता है। ये दर्द बिल्कुल माइल्ड सा होता है और ये आपके पेट के निचले हिस्से में होता है, क्योंकि पेट के निचले हिस्से में ही आपका यूट्रस होता है। तो जहां पे यूट्रस होता है वहीं पे आपका बच्चेदानी में आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, वहीं पे अंडा आपका धंसता है, वहीं पे जो छोटा सा जगह है वो बना हुआ है वो धंसने के लिए जाता है। तो आपके पेट के निचले हिस्से में ही दर्द होगा, पूरे पेट में आपको दर्द नहीं होगा, पूरे पेट में आपको पेन नहीं होगा। पीरियड में क्या होता है, पीरियड में पूरे पेट में पेन होता है, एक जगह पर्टिकुलर में नहीं पेन होता है। और यहाँ पे अगर आपको प्रेगनेंसी हुई रहेगी तो केवल आपके पेट के निचले हिस्से में नाभि के 4 अंगुल नीचे ही दर्द होगा, पूरे पेट में नहीं दर्द होगा। और यहीं पे जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो अगर आपको लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो लेफ्ट साइड में पेन होगा, अगर राइट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो राइट साइड में पेन होगा। तो ये आपके ओवुलेशन के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो ये आपको पर्टिकुलर पेट के नाभि के नीचे 4 अंगुल नीचे आपको ये पेन होगा, और ये पेन पूरे दिन भर नहीं होगा और चुभन जैसा नहीं होगा। ये पेन ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि कहीं अब जैसे सुई नहीं चुभता है वैसे बिल्कुल माइल्ड सा पेन होगा। ये पेन हो सकता है 1-2 दिन आपको रहे, इससे ज्यादा ये पेन आपको नहीं रहता है। और ये पेन उसी समय होता है जब आपका बच्चा एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकने के लिए जाता है, वहां पे चिपकता है तो ही ये पेन होता है, क्योंकि जब बच्चा चिपकता है तो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार को कुरेदता है यानी कि खोदता है। तो जब खोद के उसे वहां पे धसाया जाता है तो आप खुद समझ सकते हो ऑलरेडी आपको पेन होगा, क्योंकि कोई चीज आपकी बॉडी में हो रही है तो सारा चीज आपको ही फील होगा, तो इसीलिए आपको पेन महसूस होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डिस्चार्ज भी आने लगेंगे। कितनी महिलाओं को आते हैं, कितनी महिलाओं को नहीं आते हैं, 80-90% महिलाओं को डिस्चार्ज महसूस होते हैं, 10-20% महिलाओं को डिस्चार्ज महसूस नहीं होते हैं। या डिस्चार्ज ब्राउनिश हो सकता है, पिंकिश हो सकता है, ऐसा आपको डिस्चार्ज आ रहा है, और 1-2 ही दिन होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, और आपको पैड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो 100% आप श्योर हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। और भी रिलेशन बनाने के कम से कम 10-12 या फिर 12 दिन के बाद आपको ये सारे लक्षण समझ में आएंगे, और जो पीरियड आए हैं उसके 20 दिन के बाद ये लक्षण आपको समझ में आएंगे, और जो पीरियड आने वाले हैं उसके कम से कम 1 हफ्ते पहले ये लक्षण सारे आपको समझ में आएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, तो अपने आप किसी को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।